संडे प्रेडिक्टेड पेपर सीरीज ऑफ मैथ्स एंड साइंस इज आउट, और हर वेडनेसडे को हमने बताया था कि सॉल्यूशंस अपलोड हो जाएंगे प्रेडिक्टेड पेपर जो संडे को अपलोड होता है. सो फॉलो थ्रू ऑन दैट प्रॉमिस, आज हम मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन पेपर डिस्कस करने वाले हैं. जो भी प्रेडिक्टेड पेपर अपलोड हुआ था उसका क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कशन होने वाला है, और साइंस का जो पेपर है, क्योंकि एक दिन में हम दो पेपर नहीं कर पाओगे, साइंस के पेपर का सॉल्यूशन फ्राइडे को रिलीज होता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशंस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ऑफ द मैथमेटिक्स पेपर. अब मैथमेटिक्स पेपर में का जो डिस्कशन है, उसका जो ये वीडियो है, उसको इफेक्टिवली यूज करने का एक बहुत सिंपल तरीका है. सबसे पहले मेरी उम्मीद है कि आप सबने उस पेपर को अटेम्प्ट किया है. द वेरी गोल ऑफ द प्रेडिक्टेड पेपर इज आप उसको अटेम्प्ट करो और हम उसका डिस्कशन करेंगे. तो आप सबसे पहले इस वीडियो को अगर इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू कंपेयर योर आंसर्स विद द ऑफिशियल आंसर जो मैं बता रहा हूं. तो कंपेयर योर आंसर्स एंड गिव मार्क्स टू योरसेल्फ. ठीक है, टोटल करो 80 में से आपके कितने आते हैं वो देखो, और सबसे पहले प्लीज मेक श्योर दैट आपका जो स्कोर आया 80 में से कमेंट बॉक्स में डालो. पुट योर स्कोर ऑन द कमेंट बॉक्स, तो आप देख सकते हैं बाकी सबने कितने अच्छे से स्कोर किया है, एंड यू कैन नो हाउ वेल यू आर डूइंग रिलेटिव टू अदर स्टूडेंट्स. तो प्लीज आफ्टर गोइंग थ्रू द एंटायर वीडियो अपने स्कोर को पुट योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स. जो भी आपका 80 आउट ऑफ 80 जो स्कोर आया है उसको कमेंट्स में डालिए, सो दैट वी कैन बेसिक यू कैन अंडरस्टैंड हाउ अदर्स आर डूइंग. द इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं जब आज पेपर को डिस्कस करने वाला हूं, please check what are the mistakes you are making and note them down. Please check your mistakes. Mistakes jo hai, those are the most important things to avoid. Aur ye pure predicted paper series ka point ye hai ki aap in mistakes ko yahan pe aap model paper mein kar lo, koi dikkat nahi hai. Actual paper mein ye nahi karna chahiye. So please make your check your mistakes and make a note of them. Never to repeat. Never repeat the same mistakes. एक अच्छी हैबिट होती है कि आप अपने मिस्टेक्स को एक नोटबुक में लिख लेना कि इस सवाल में ये गलती की मैंने, और हर एग्जाम के पहले अपने मिस्टेक्स को देखना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड हैबिट विच विल हेल्प यू अवॉइड मेकिंग द सेम मिस्टेक्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन. अब पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है इसका एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बताया था. So check the video link in the description. Maths paper को कैसे attempt करना है. So please check it below in the description, right? And understand कि किस section को पहले करना है, किस section को बाद में करना है. मैं आज के paper को तो sequence में ही करने वाला हूँ, but my strong suggestion is to do the paper in the way I have suggested in the video. पहले 5 number के सवाल, फिर 3, 2 then 1 mark questions and case study questions. However, आज का जो paper discussion है, मैं paper के order में ही कर रहा हूँ. But आप लोग जब paper को attempt करते हो, इस ये paper या अगला paper जब attempt करते हो, please make sure that आप लोग ये देख लो कि आप, मैंने जो toppers का method suggest किया है कि किस तरीके से लंबे सवालों को पहले answer करना है, उस method को follow करो. So without any further ado, हम एक एक करके सवालों को करना शुरू कर सकते हैं. Let's make sure that you are ready. So let's start off with the first question. तो हमारे पेपर का फर्स्ट 1 mark क्वेश्चन था, फाइंड द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट कंपोजिट नंबर. बहुत ही सिंपल सवाल है. बोर्ड एग्जाम में जो 1 mark क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको सिर्फ आंसर नहीं लिखना होता, आपको थोड़ा बहुत बताना भी होता है कि आंसर कैसे आया. बहुत लंबा नहीं, 1-2 line में बताना होता है. सो प्लीज डोंट जस्ट राइट द आंसर, गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, उसके भी आधे नंबर होते हैं. तो जो पहला पार्ट है, स्मॉलेस्ट 2-digit कंपोजिट नंबर, ऐसे लिख लो कौन सा होता है स्मॉलेस्ट 2-digit कंपोजिट नंबर. है 10 इज अ कंपोजिट नंबर. एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट कंपोजिट नंबर. स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट सॉरी माय बैड कंपोजिट नंबर होता है 4, राइट? क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर होते हैं, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है. स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट कंपोजिट नंबर इज 4. इसका मतलब एलसीएम ऑफ 10 एंड 4 क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, एलसीएम ऑफ 10 एंड 4 इज इक्वल टू 20, क्योंकि 4 5s are 20 होता है और 2 10s are 20 होता है. 10 इज नॉट द एलसीएम. सो आपका जो आंसर है, आंसर को हमेशा अंडरलाइन करने की कोशिश करना,
ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए आपका फाइनल आंसर क्या है, राइट? सो आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 20. तो इसमें मार्किंग स्कीम क्या होती है, ये लिखने के लिए यू विल गेट अराउंड हाफ मार्क, और फाइनल आंसर लिखने के लिए आधे नंबर. आपने ये दोनों लिखा है तो पूरे नंबर देना, अगर आपने पहला चीज छोड़ दिया सिर्फ आंसर लिखा है सो यू शुड कट हाफ मार्क्स फॉर योरसेल्फ. सो अब इस सवाल में एक ऑप्शन भी था, बोर्ड एग्जाम में भी कुछ कुछ सवालों में ऑप्शन होंगे, मैं ऑप्शन वाला सवाल भी आपके लिए करता हूं. What will be the product of the HCF and LCM of the smallest prime number and smallest composite number? ठीक है? अब हम क्या जानते हैं बेटा? Product of HCF and LCM होता है product of the two numbers. तो सबसे पहले ये दोनों numbers को लिख लेते हैं. Smallest prime तो 2 होता है और smallest composite 4 होता है. ये सबसे पहले लिख लो, right? Then product of HCF and LCM. अब HCF LCM निकालने की जरूरत नहीं, एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, HCF into LCM, जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो उसको यूज करो, इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. ये फॉर्मूला है तो ये हो जाएगा 2 into 4 which is 8, और अपना आंसर जो है उसको हमेशा आंसर 8 करके लिख देना. मैंने 8 सही से लिखा नहीं है, यहां पे लिख दिया है, राइट? सो दिस वर्किंग विल गिव यू अराउंड हाफ मार्क एंड दिस विल गिव यू हाफ. This is basically how you will be graded. तो पहले एक नंबर के लिए please make sure that सीधा आंसर मत लिखो. Also give a small explanation. बहुत लंबा चौड़ा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा explanation देने की जरूरत है. Okay? आगे के सवाल मैं थोड़ा जल्दी करने वाला हूँ, but मैं शुरुआत में I want to emphasize how to write the paper में ये छोटे छोटे steps को मैं emphasize करने वाला हूँ, तो इसको ध्यान में रखो. चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे. Second question was a question on quadratic equations. चलो देखते हैं क्या सवाल है ये. If the zeros of the quadratic equation polynomial ax square plus bx plus c are equal, a or c का sign same होगा या opposite होगा? बहुत ही simple सवाल है बेटा. Zeros are equal, इसका मतलब क्या बेटा? Zeros equal, इसका मतलब है कि discriminant zero होगा. इसका मतलब है d is equal to zero. ये statement लिखना जरूरी है, आधे number इसी के लिए मिलेंगे. और इसका मतलब b square minus 4ac is zero, तो b square is 4ac. अब यहां पे दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अब ए और सी का साइन सेम होगा कि नहीं, तो ए और सी का साइन सेम होगा, इससे ये कैसे निकालेंगे? हम ये जानते हैं बेटा कि ए सी है बी स्क्वायर बाई फोर. इस इक्वेशन से ए सी बी स्क्वायर बाई फोर आता है. अब बी स्क्वायर बाई फोर किसी तो नंबर का स्क्वायर है, मतलब पॉजिटिव है. सो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, तो ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है. दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो दोनों का साइन सेम होगा कि अलग होगा? साइन सेम होगा. दिस बेसिकली मींस दैट ए एंड सी हैव सेम साइन, क्योंकि उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव. दो नेगेटिव नंबर, दोनों नेगेटिव होंगे तो ही प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, या दोनों पॉजिटिव होंगे तो ही प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा? दोनों केसेस में साइन सेम. सो ए एंड सी एंड अप हैविंग द सेम साइन. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो ये है इसमें, ये जो कहानी है इसके आधे नंबर और ये लिखने के आधे नंबर. That is how you will be graded in the paper. ठीक है? So ये है पहला. फिर इसमें there is an option. दोनों करने की जरूरत नहीं, इनमें से कोई एक कर सकते हो. Find the sum of the roots of the quadratic equation minus x square plus 3x minus 3. अब ऐसे सवालों में हम कभी-कभी jump करते हैं answer को लिखने में, but you should never jump. The way you should write it is, आपको अगर quadratic polynomial equation दिया है, ax square plus bx plus c equal to 0. Sum of roots क्या होता है? सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए. ये फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है. अब यहां पे ए बी सी क्या है ये भी लिखाना जरूरी होता है. हियर ए इक्वल टू माइनस वन, बी इक्वल टू थ्री, सी इक्वल टू माइनस थ्री. एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो के लिए. तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन माइनस वन विच इज थ्री. तो इसका आंसर थ्री है, आधे नंबर उसके लिए मिलेंगे. और ये बताना कि ए बी और सी क्या है, इसके लिए आधे नंबर मिलेंगे. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट वन मार्क क्वेश्चन में सीधे आंसर मत लिखो, वन लाइन का एक्सप्लेनेशन तो दे देना. दैट इज हाउ यू विल एंड अप गेटिंग फुल मार्क्स. अदरवाइज आधे आधे नंबर, 16 सवाल होते हैं वन मार्क्स के, आधे आधे नंबर वहां पे चले जाएंगे. यू विल एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स और अपने ड्रीम स्कोर के पास नहीं पहुंच पाओगे. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, आई होप दिस इज क्लियर. मैं आगे बढ़ता हूं तीसरे सवाल पे. तीसरे सवाल में भी यू हैव ऑप्शंस. तीसरे सवाल में सबसे पहले पूछा गया है पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट 8, -9, 2, 3, 1:2 रेशियो इंटरनली, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो पहले पॉइंट निकालेंगे. सो फाइंडिंग द पॉइंट बाय सेक्शन फॉर्मूला. फाइंडिंग पॉइंट बाय सेक्शन फॉर्मूला
सेक्शन फॉर्मूला से अगर मैं निकालूं तो क्या होता है, एक्स कॉमा वाई ये होगा एम एक्स वन प्लस, फॉर्मूला हमेशा लिखा करो, एन एक्स टू अपॉन एम प्लस एम, सॉरी एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, गलती हो गई मुझसे, कॉमन फॉर्मूला एरर रही है, मैं इसको मिटाता हूं, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो बच्चों याद रखो, ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है फॉर्मूला लिखना, बट बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आना, यू हैव टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स, अदरवाइज छोटे छोटे नंबर हर जगह कट जाते हैं। यहाँ पे एम और एन क्या है ये बताना पड़ेगा आपको, हियर 1:2 रेशियो है, रेशियो इसका मतलब क्या है, एम इक्वल टू वन एन इक्वल टू टू, पॉइंट्स क्या है, x1 y1 is 8 comma minus 9, x2 y2 is 2 comma 3, ये बता दो राइट। तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, x comma y is mx2 which is 1 into 2 plus nx1 which is 2 into 8 upon 1 plus 2 and then 1 into 3 प्लस टू इंटू माइनस नाइन अपॉन वन प्लस टू। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ये क्या आ जाता है, 10 प्लस 16 सॉरी 2 प्लस 16 18 अपॉन 3 6 एंड देन 3 प्लस 3 माइनस 18 माइनस 15 अपॉन 3 6 कॉमा माइनस 5। ये पॉइंट आया बट सवाल में पॉइंट नहीं पूछा गया, तो ये पॉइंट निकालने के आधे नंबर है बेटा। ओके, पॉइंट फॉर्मूला वगैरह लिख के करोगे तो यूल गेट हाफ मार्क। कौन से क्वाड्रेंट में है ये पॉइंट, दिस लाइज इन, इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मतलब दिस विल बेसिकली लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब ये कुछ लोगों को लंबा लगा होगा, सो एग्जाम में द राइट स्ट्रेटजी वुड हैव बीन टू डू द अदर थिंग राइट। तो यहाँ पे क्या दिया गया बेटा, कितने डेसिमल प्लेसेस में टर्मिनेट होगा, ये सवाल काफी बार बोर्ड में पूछा गया है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, 14587 अपॉन 250 राइट, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का, 14587 250 है बेटा 25 इंटू 2 इंटू 10, सो 5 क्यूब इंटू 2 ठीक है, दिस इज बेसिकली द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डिनोमिनेटर 250। आप चेक कर सकते हो 5 क्यूब 125 है एंड 5 क्यूब इंटू 2 इज 250। अब कितने प्लेसेस में ये टर्मिनेट होगा, ये निकालने के लिए द वे वी डू दिस इज, जो भी इसका मैक्सिमम पावर है राइट 2 और 5 में। यहाँ पे क्लियरली हमको क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे वी कैन वेरी क्लियरली सी 3 हैज, अगर डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 रेज टू एम into 5 raised to n, m or n में जो बड़ा है that is the number of places this will terminate in, m or n में बड़ा क्या है बेटा, clearly we can see that m or n में बड़ा यहाँ पे 3 है, so this is the maximum power, ये maximum power है right, so इसका जो decimal place है this will terminate in 3 decimal places, this means decimal terminates in 3 decimal places. So always remember this, जो भी maximum power होता है इसका denominator में 2 और 5 का, उसका जो value है that is the number of decimal places it will terminate. तो यहाँ पे ये करने के आधे number और ये लिखने के आधे number, this is how you will get marks. So this was the two parts of question 3. हम थोड़ा pace बढ़ाते हैं, मैं तो थोड़ा समझा रहा हूँ, that's why I'm going slow, let me increase my pace. नेक्स्ट, अब वन मार्क के सवाल धीरे धीरे बहुत सिंपल हो जाते हैं। डी ई एफ एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली, तो एरिया ऑफ डी एफ अपॉन ए बी सी क्या होगा राइट। तो ऐसे सवालों में, ज्योमेट्री के सवालों में हमेशा डायग्राम बना दिया करो स्केल से ठीक है। सो आई एम गोइंग टू बेसिकली मेक अ डायग्राम हियर, आप लोग स्केल से बनाओ प्लीज, मैं अभी इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई एम नॉट यूजिंग अ स्केल। तो डी ई और एफ ए बी बी सी और ए सी के मिड पॉइंट्स, दैट इज वॉट यू आर टोल्ड इन दिस क्वेश्चन। So I'm just basically now going to, sorry, give me a second बच्चों, mobile का ring हमेशा बजता रहता है। Anyway, this is D is the midpoint of this, E इसका midpoint है, F इसका midpoint है, ठीक है? तो इन दोनों का area का ratio पूछा गया।
So DEF is this triangle. ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप बहुत ज्यादा लिखो तो it becomes very complicated. You don't need to do so much. सबसे पहले you can directly write triangle DEF is similar to triangle ABC. ये तो हम जानते हैं. क्यों? Because DENF are midpoints. DEF midpoints हैं. Right? इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि DF parallel to BC, DE parallel to AC and EF parallel to AB. तो इसका मतलब all angles are equal. सारे parallel हो जाते हैं तो सारे angles equal हो जाते हैं, right? So ये similar है, right? So now similar है, इसका मतलब क्या बेटा? Area of triangle DEF upon area of triangle ABC. इन दोनों का रेशियो क्या होगा? This will not be nothing but DE square. Sorry, इसको इसका correspondence थोड़ा सही से लिखते हैं हम. D बराबर होगा बेटा C के, right? So DEF ये सही से लिख लेते हैं हम. Similar तो हैं, but I think I'm not done the correspondence properly. ये सब चीजों का ध्यान रखो. D और C बराबर होंगे. Then similarly A, sorry. से इरेजर चूज कर लिया मैंने. ए और ई बराबर होंगे एंड बी और एफ बराबर होंगे, राइट? व्हाई? बिकॉज़ सारे पैरेलल तो सारे पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स बन जाते हैं, राइट? सो इसका मतलब है कि डी करेस्पॉन्ड्स ए करेस्पॉन्ड्स टू ई, तो ए बीच में आएगा. डी करेस्पॉन्ड्स टू सी, सो दिस विल बी दिस. तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज सेम एज डीई स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर. और हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि D और E मिड पॉइंट्स हैं. इसका मतलब है D is half AC whole square upon AC square because D E are mid points. तो मिड पॉइंट थ्योरम से D E equal to half AC. 9th का मिड पॉइंट थ्योरम यूज होता है, right? So this is nothing but 1/4. So the ratio of the areas is 1/4. तो इस सवाल में ये लिखना कि ये सिमिलर क्यों हैं will fetch you half marks. ये एक्सप्रेशन और ये निकालने के आधे नंबर हैं. यू विल गेट वन मार्क लाइक दिस. सो द आंसर इज 1/4. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन. अगला सवाल. एट वन एंड ए ऑफ अ डायमीटर एबी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन. तो अगेन ज्योमेट्री के सवालों में डायग्राम बना दिया तो मोस्ट ऑफ योर वर्क इज डन. सो मैं एक सर्कल बना रहा हूं. आप लोग इस सर्कल को प्लीज कंपास से बनाइए. सो एट वन एंड ए ऑफ अ डायमीटर एबी, तो ये मान लो सेंटर ओ है, ठीक है? डायमीटर ए बी है, राइट? इस एंड ए पे हम एक टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है? टेंजेंट एक्स ए वाई. सो दिस इज एक्स ए वाई. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड पैरेलल टू एक्स वाई. तो हम एक ऐसा कॉर्ड बना रहे हैं जो ए से, ये सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है. ओ ए और ओ बी दोनों 5 सेंटीमीटर है. अब एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा कॉर्ड है विच बेसिकली इज एट, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है? दिस इज व्हाट इज गिवन. इस कॉर्ड को पकड़ लेते हैं सी डी, दैट्स व्हाट इज गिवन टू बी द नेम, ठीक है? और एक्स वाई के पैरेलल. अब हमको इसकी लेंथ निकालनी है. बहुत ही सिंपल है, थोड़ा लंबा लगेगा ये सवाल. दिस इज वन ऑफ दोस वन मार्क क्वेश्चन जो थोड़ा लंबा है. सो यू कैन डू इट प्रीटी क्विकली. बहुत ज्यादा स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स अ वन मार्क क्वेश्चन. So now what do you see here? सबसे पहले हम ये जानते हैं बेटा कि let इस point को बुला लेते हैं P, right? Let P be the intersection point of AB and CD. ये पहला, ये दोनों intersection point है. अब हमको क्या पता चलता है बेटा? सबसे पहले AP हमको दिया है 8 सेंटीमीटर, OA 5 सेंटीमीटर दिया है रेडियस. तो इसका मतलब है कि OP इक्वल टू 8 माइनस 5 विच इज 3 सेंटीमीटर. ये पहली चीज, OP 3 सेंटीमीटर मिल गई है, ठीक है? नाउ वी ऑल्सो नो दैट OC इज 5 सेंटीमीटर, अगेन रेडियस, ठीक है? तो अब ट्राइंगल OPC में हमको क्या दिख रहा है? इन ट्राइंगल OPC, ये तो परपेंडिकुलर है ही, राइट? बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस और ये दोनों पैरेलल हैं, राइट? तो इतने डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बट नॉनदलेस. सो ओपी हमको पता नहीं है. ओपी इज गिवन टू बी 3, ये 5 है,
OP square plus PC square will be OC square. इसको सॉल्व करोगे तो PC कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो PC हमें 4 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो CD कितना होगा? CD will be 2 into PC क्योंकि perpendicular midpoint होता है. So this is 2 into 4 which is 8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे काफी कॉन्सेप्ट लगते हैं. सो दिस शुड टेक्निकली बी अ 2 मार्क क्वेश्चन. एक 1 मार्क का क्वेश्चन थोड़ा लंबा आ गया, राइट? बट दैट्स व्हाई यू डोंट नीड टू राइट अ लॉट ऑफ स्टेप्स. तो सबसे पहले क्या किया हमने? सबसे पहले हमने ओपी की लेंथ निकाली यहाँ पे 3. फिर हमने कहा कि ओसी की लेंथ 5 है, राइट? फिर हमने पाइथागोरस से पीसी की लेंथ निकाली. और क्योंकि ओपी इज अ लाइन फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड, पी मिड पॉइंट होगा उसका, राइट? सो सीडी पी 2 टाइम्स पीसी होगा. तो सीडी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर आता है. ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, तो इस सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम छठे सवाल पे. अब आगे के सवाल सिंपल हो जाएंगे. एक आध सवाल हमेशा बोर्ड्स में मुश्किल होंगे. डोंट गेट स्टक ऑन दोस क्वेश्चंस. अगर एग्जाम में आप इस सवाल पे अटक गए थे, द राइट स्ट्रेटजी टू डू वाज टू मेक श्योर दैट आप इस सवाल को छोड़ के आगे बाद में कर सकते थे. फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर. सिंपल फॉर्मूला है, हम जानते हैं सेक्टर की एरिया क्या होती है. पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360 डिग्री. आर कैपिटल होना चाहिए, क्वेश्चन में आर कैपिटल दिया है. आपको इसमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है. तो पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360 डिग्री इज द एरिया ऑफ द सेक्टर. आगे बढ़ जाते हैं सातवें सवाल पे. फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स के 2k 3k 4k 5k वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर. तो k 2k is k into 2, 3k is k into 3, 4k is k into 2 square and 5k is k into 5. अब HCF अगर हमको निकालना है, the only common factor, कोई भी prime factor पांचों में common ली है. Only common factor is k. Only common factor k है. इसका मतलब HCF k है. क्योंकि बाकी कोई भी factor इनमें बाकी सब में common नहीं आता. The answer for this is k. आठवां सवाल सिंपल सवाल है. Probability is can never be less than 0 is the above statement true or false, right? बहुत ही सिंपल है. This is obviously a true statement, right? So we know क्यों justify कैसे करें. Probability होता है is equal to favorable outcomes upon total outcomes. तो फेवरेबल आउटकम्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते क्योंकि हम चीजों को गिन रहे हैं. फेवरेबल आउटकम्स इज अ काउंट, सो कैन नेवर बी नेगेटिव. आउटकम्स इज अ काउंट क्योंकि गिनती जब हम करते हैं 1 2 3 0 1 2 3 4 से तो करते हैं, माइनस 1 से थोड़ी शुरू करते हैं, राइट? इज अ काउंट, सो विल नेवर बी लेस देन 0. हेंस दिस इज ट्रू. ओके, सो ये ट्रू स्टेटमेंट है. आठवां सवाल. फिर आ जाते हैं नाइन्थ सवाल में. देखो अगर आप टाइम का भी अगर ध्यान रखोगे वीडियो पे, देखो कितना टाइम हुआ है. शुरुआत में इवन दो वी वर स्लो, वंस वी पिक पेस अप वी कैन डू दीस क्वेश्चंस प्रीटी क्विकली, राइट? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4√3x² - 4√3x + 4. सो इसमें क्या है डिस्क्रिमिनेंट? बी इज इक्वल टू फॉर्मूला हमेशा लिखा करो, b² - 4ac. नेवर फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला. तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 4√3 का स्क्वायर. डोंट राइट इट एज 4√3 का स्क्वायर क्योंकि b इज माइनस, ये b है. -4 × 3 × 4. तो ये कितना हो जाएगा? 4√3 का स्क्वायर इज 48. 48 - 12 × 4 = 48, which is 0. Let's check the answer again. 4√3 का स्क्वायर इज 48 -4 × 3 × 4, which is 0. So इसका डिस्क्रिमिनेंट टर्न्स आउट टू बी 0. ठीक है, तो अगेन बस कैलकुलेशन सही से दिखाओगे तो एक नंबर आसानी से मिल जाएगा. अगला सवाल 10th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन. लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एक कोई तो रैंडमली चोजन एट रैंडम. डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन लेटर इज अ कॉन्सोनेंट. अब आप में से बहुत लोगों को ये सवाल आ रहा होगा कि कॉन्सोनेंट क्या होता है. कॉन्सोनेंट जो शब्द अल्फाबेट में वावेल नहीं होते वो कॉन्सोनेंट होते हैं. सो नॉट अ वावेल जो होता है अल्फाबेट में दैट इज इक्वल टू अ कॉन्सोनेंट. That's what we call as consonant. तो basically A, E, I, O, U के अलावा बाकी सारे consonant होते हैं. तो now total outcomes कितने हैं? अगर एक letter चुन रहे हो, total possible outcomes is 26. 26 में भी कोई भी एक चुन सकते हो, right?
फेवरेबल 21 है क्योंकि 26 में से 5 वावेल को हटा दोगे तो 21 बचा होगा. सो फेवरेबल इज 21 क्योंकि 5 ही वावेल है. रिमूव द वावेल्स ए ई आई ओ यू. तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स. फॉर्मूला लिखना कभी मत भूलना प्रोबेबिलिटी का. फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स विच इज 21/26. यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं होता बट अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ऑलवेज सिंप्लीफाई इट इनटू द लीस्ट टर्म्स. कुछ कॉमन टर्म होना नहीं चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. तो द आंसर इज 21/26. ये था 10वां सवाल. अगला सवाल ट्राइंगल्स का सवाल. ए बी अपॉन क्यू आर इज बी सी अपॉन आर पी इज सी ए अपॉन पी क्यू. तो ए बी सी कौन से ट्राइंगल के सिमिलर है. ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, ए बी यहाँ पे आपको करेस्पॉन्डेंस सही से मैच करना है. तो ऐसे सवालों में मेरा आपसे सजेशन है दोनों ट्राइंगल्स को बना लेना, ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर होगा. ठीक है, उसको किसी भी तरीके से बना लेना. अब जब रेशियो दिया गया है एंगल्स के करेस्पॉन्डेंस को निकालने के लिए, आपको क्या करना है, जो सिमिलर रेशियोज है उसको सिमिलर लेटर से डिनोट करो. ए बी और क्यू आर सिमिलर है तो ए बी अगर एक्स हुआ तो क्यू आर भी एक्स होगा बिकॉज ए बी अपॉन क्यू आर आर सेम, राइट. बी सी एंड पी आर, बी सी अगर वाई होगा के एक्स होगा, रेशियो सेम है तो क्यू आर पी आर इज बी इक्वल टू के वाई एंड ए सी अपॉन पी क्यू. तो ये जेड होगा तो ये के जेड होगा. अब क्या करना बेटा, एंगल सिमिलर देखने के लिए आप सोचो जोड़ियां का कौन से एंगल्स कौन से साइड्स के बीच में. तो यहां पे बी इज बिटवीन एक्स एंड वाई, यहां पे एक्स और वाई के बीच में कौन सा है, आर है. ओके, सो व्हाट डू यू डू, यू बेसिकली से दैट बी is corresponding to R, A is corresponding to A है X और Z के बीच में, यहाँ पे X और Z के बीच में Q है और बचा हुआ C will correspond to B. तो triangle ABC will be similar to triangle QRB. तो ये तरीका होता है बेटा इसको करने का. इसको करने का एक और तरीका है, शॉर्टकट है, ये आप लिख नहीं सकते but if you want to check your answer, यहाँ पे देखो B और C और R और P है. तो यहाँ पे मिसिंग क्या है बेटा, यहाँ पे A मिसिंग है, यहाँ पे Q मिसिंग है, मतलब A और Q मैच होते हैं. यहाँ पे B मिसिंग है, यहाँ पे R मिसिंग है, B और R मैच होते हैं. यहाँ पे A और B में C मिसिंग है और यहाँ पे P मिसिंग है, तो C के साथ P करस्पॉन्ड कर रहा है. वन मोर वे टू चेक योर आंसर कि आपने सही से करस्पॉन्डेंस लिखा है कि नहीं. देखो कि मिसिंग अल्फाबेट कौन सा है उन रेशियो में, वो सारे एक दूसरे से करस्पॉन्ड करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. दिस वॉज 11th क्वेश्चन. अब इस सवाल में एक चॉइस भी था एंड अगर आप सिमिलैरिटी से थोड़ा डरते हैं, ट्राइंगल से थोड़ा डरते हैं, देन दिस वाज प्रोबेबली अ बेटर थिंग फॉर यू टू डू. लेट्स सी व्हाट दिस इज. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए 7,12 एंड बी 1,4. तो हम जानते हैं कि सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है. तो अगर ए 7,12 है, बी 1,4 है, तो उसका जो सेंटर होगा दैट विल बी द मिड पॉइंट. सो ये लाइन लिखना जरूरी है, प्लीज डोंट डायरेक्टली राइट द आंसर. द सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर. ये तो सर्कल की प्रॉपर्टी होती है ए बी. तो इसका मतलब सेंटर क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू. फॉर्मूला मत भूलना मिड पॉइंट का, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू. ठीक है, दिस इज नथिंग बट 7 + 1/2 and 12 + 4/2 which is 4,8. So this will be the center of the circle. Okay, so this is how you have to explain your answers. Don't just leave your answers like that. 12th सवाल. Angle between two tangents drawn to the from an external point P to a circle of radius R is 60 degree. तो OP का length निकालो. चलो देखते हैं बेटा. तो circle यहाँ पे एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, तो मैं दो टेंजेंट्स बना रहा हूं यहाँ पे. ठीक है, ये P है, राइट. फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस R. तो सर्कल की रेडियस R है और ये एंगल 60 डिग्री है, ये हम जानते हैं. ठीक है, OP की लेंथ निकालनी है. O ये है, सो यू हैव टू फाइंड आउट this length, OP की length निकाल लिया. देखो बच्चों यहाँ पे you have to, अगर join कर लो इसको A और B बुला लो,
हम जानते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी पी, बिकॉज टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये हम जानते हैं, राइट? एंड वी ऑल्सो नो दैट OP will be the angle bisector. Angle APO will be equal to angle BPO equal to 30 degree. ये दोनों 30-30 का angle होगा. ये भी हम जानते हैं, ठीक है? अब देखो ये सवाल actually अब बहुत तरीके से कर सकते हो, trigonometry से बड़ा आसान हो जाता है. देखो कैसे, अब triangle OPA में, in triangle OPA, POA, मैं यहां पे देख बना रहा हूं यहां पे ट्राइंगल अलग से, ओ ए पी, हमको ओपी निकालना है, ओ ए आर, ओपी अगर एक्स है, आर अपॉन ओपी टेन 30 होगा, सही है? उल्टा है ट्राइंगल बट है तो टेन 30 है ना, इट्स अ राइट ट्राइंगल, इक्वल टू टेन 30 डिग्री, तो बस आ गया, ओपी इज आर अपॉन टेन 30 विच इज आर अपॉन 1/√3 विच इज आर रूट थ्री. तो ट्रिग्नोमेट्री ये सर्कल्स का सवाल लग रहा होगा, राइट? तो सर्कल्स में इसका एक काम है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस है, बाकी पूरा इज बेस्ड ऑन अ वेरी बेसिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रायंगल ढूंढ लो और देखो कि आर अपॉन ओपी इज वन टेन 30 डिग्री, ठीक है? सो दैट इज क्वेश्चन 12. क्वेश्चन 13, इसमें एक ऑप्शन था, तो अगर आपसे ये हो नहीं रहा तो ये ऑप्शन तो बहुत ही सिंपल था, ये कर सकते थे, तो दैट इज अ गुड थिंग. कभी कभी सवाल नहीं हो रहा है तो देखो कि उसका ऑप्शन कहीं आसान तो नहीं है. यूजुअली ऐसे काफी बार होता है कि वन ऑफ द ऑप्शंस इज मच इजियर देन द अदर्स, सो प्लीज ट्राई टू स्टिक टू दैट. यहाँ पे क्या दिया है बेटा, यहाँ पे दिया है इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बी सी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो अगर डी पैरेलल टू बी सी है तो बीपीटी लगा सकते हो आप, इसका मतलब है कि ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए अपॉन ई सी बाय बीपीटी. तो 2x अपॉन 3x बन जाएगा 3x माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 2. यहाँ पे x और x कट जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली x 0 तो नहीं हो सकता, तो ट्राइंगल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो 2 into 2x plus 2 कितना होगा 4x plus 4 is 9, 3 into 3x minus 7, 9x minus 21. तो 5x 25 हो जाएगा, तो इसका मतलब x 5 हो जाएगा. सिंपल क्वेश्चन है, तो ये कर सकते थे अगर आपसे पिछला वाला सवाल नहीं हुआ, राइट? तो देयर इज ऑलवेज चॉइसेस गिवन इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ताकि उन दोनों में से कोई तो एक हो जाए आपसे. So this was question 12. Question 13 पे चले जाते हैं. Question 13, given sin alpha is 1/√2, cos beta is 1/√2, find the value of cot of alpha beta. बहुत ही सिंपल, ऐसे सवालों में आपको टेबल याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का. Sin of alpha 1/√2 है, इसका मतलब क्या है बेटा कि alpha equal to 45 degree, क्योंकि sin 45 1/√2 होता है. Cos beta 1/√2 है, इसका मतलब क्या है, beta भी 45 degree है, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है. टेबल को याद करो, तो cot of alpha plus beta कितना होगा बेटा, cot of alpha plus beta is cot of 45 plus 45, cot of 45 plus 45 हो जाता है cot 90, cot 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं होती है, जीरो होती है, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, सो दिस इज जीरो. सो द करेक्ट आंसर टू cot of alpha plus beta फॉर दिस क्वेश्चन इज जीरो. चौथे सवाल पे चले जाते हैं. कोन और एक कोन है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, सो यू हैव अ कोन, ठीक है? इसका h1 is 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर d1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, जिसका मतलब है कि r1 10 सेंटीमीटर है, ठीक है? इसको स्फीयर में बदला जाता है, तो हम क्या करेंगे बेटा, लेट r बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर. अब हम जानते हैं ये जब हम करते हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता, राइट? वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन सच केसेस. तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और ये स्टेटमेंट को हमेशा लिखा करो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कभी बदलता नहीं. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है बेटा, 4/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 πr²h. सर्फेस एरिया वॉल्यूम वाले सवालों में एक सजेशन है मेरा आप सबसे कि कभी भी पहले नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करो मत करो, पहले एक्सप्रेशन को काटने की कोशिश करो. सो हाउ डू यू डू दैट, यू विल बेसिकली पाई पाई कट जाता है, राइट? 3 कट जाता है, r³ r² कट जाता है, तो 4r equal to h मिलता है सब कुछ काट के. तो इसका मतलब है r हो जाएगा h/4 which is 10/4 which is 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो काट दोगे तो लंबे लंबे वो क्यूब स्क्वायर वगैरह करने की जरूरत नहीं है. ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर फर्स्ट कटिंग आउट एवरीथिंग एंड एंड में कैलकुलेशन करना. कैलकुलेशन कभी भी सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले सवालों में पहले मत करना,
So I hope this question is clear. Moving on to the 15th question. दो सिमिलर ट्राइंगल्स की एरियाज दी गई हैं, साइड्स की रेशियो बताओ. बहुत ही सिंपल है. एरिया लेट द ट्राइंगल्स बी, ट्राइंगल्स को नाम दे दो, ए बी सी एंड पी क्यू आर. हमको दिया क्या गया है, एरिया ऑफ ए बी सी इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ पी क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको ये दिया गया है कि ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है. okay, ये तीनों चीजें दी गई है. हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, और हमको ये जानते हैं दिस इज 9/25, ये गिवन है. तो ए बी अपॉन पी क्यू क्या हो गया, 3/5 हो गया. अब रेशियो क्या हो गया, सो रेशियो इज, रेशियो ऑफ साइड्स इज, रेशियो पूछा गया तो उसको लिखो 3:5, डोंट लीव इट एज 3/5, लीव इट एज 3:5. यहां पर रीजन लिखना मत भूलना, सिमिलर ट्राइंगल्स एरिया रेशियो इज रेशियो ऑफ, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, स्क्वायर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स. देखो बच्चों, ये कभी कभी थोड़ा इरिटेटिंग लगता है कि बात लंबे लंबे थ्योरम बार बार लिखने पड़ते हैं, बट बोर्ड एग्जाम की मार्किंग स्कीम ही ऐसी है कि दे आस्क यू टू जस्टिफाई एवरीथिंग, तो प्लीज डोंट स्किप दीज स्टेप्स. सो ये है 15वां सवाल. अब आ जाते हैं 16वां सवाल, विच इज अ लास्ट 1 mark नॉन केस स्टडी क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टैंजेंट्स. दो पैरेलल टैंजेंट्स दिए गए हैं आपको, ये दोनों पैरेलल है. ओके, ए बी सी डी, इन दोनों का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस निकालना है. हम जानते हैं, we have done numerous times, और 1 mark questions में ज़्यादा explanation की ज़रूरत नहीं है. We know that अगर 2-3 number का सवाल आता है तो you have to explain. We know that the line joining the points of contact of parallel tangents passes through the center. Parallel tangents पे अगर point of contact को जोड़ोगे वो pass करता है center के through. तो इस फैक्ट को हम यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या बेटा, डिस्टेंस बिटवीन देम इज एक्स वाई, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज एक्स वाई, विच इज 2 into radius, विच इज द डायमीटर, राइट, विच इज 2 into 12 centimeter, विच इज 24 centimeter. सो डोंट ट्राई टू राइट टू मच, बस हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे दिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे 1 mark क्वेश्चन में. आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी पड़ेगी, बट वी गिव टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशंस. ओके, सो दैट इज द सेट ऑफ ऑल द 1 mark क्वेश्चंस दैट वी हैव डन. ओके, चलो अब आ जाते हैं केस स्टडी. आई एम प्रीटी श्योर मेनी ऑफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द केस स्टडी वंस, क्योंकि एग्जाम में पहली बार आ रहा है. इनफैक्ट मुझे, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ, बच्चे यूजुअली यही कहते हैं कि केस स्टडी के सवाल सबसे मुश्किल लगते हैं उन्हें. सो लेट्स गो थ्रू वन ईच क्वेश्चन. पहला केस स्टडी समझते हैं. केस स्टडी में हमारी स्ट्रेटजी हमेशा होनी चाहिए टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन इट, और सारे सवाल उसके बेसिस पे आंसर करना. इट इज इन मेनी वेज लाइक अ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एक स्कूल फेयर में एक कॉइन टॉसिंग गेम है. 3 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 coins को साइमल्टेनियसली टॉस किया जाता है, और आपको उतने चॉकलेट मिलेंगे जितने हेड्स आते हैं. अब 3 coin tosses में सबसे पहले क्या क्या पॉसिबिलिटी आपको लिस्ट करना आना चाहिए. ठीक है, 2 coin tosses किया है, 3 coin tosses सम ऑफ यू मे हैव डन, सम ऑफ यू मे नॉट हैव डन. तो मैं बता देता हूं, 3 coin tosses में या तो तीनों हेड जाएंगे या दो, एक हेड आएगा दो टेल आएगा. अब एक हेड दो टेल 3 तरीके से आ सकता है, हेड 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 टेल टेल, सॉरी माई बैड, या तो तीनों हेड आएंगे या दो हेड आएंगे, हेड हेड टेल, पहला हेड दूसरा हेड तीसरा टेल, या टेल हेड हेड, या एच हेड टेल हेड, ये तीनों में एक दो हेड आ रहे हैं, या एक हेड भी आ सकता है, एच टी 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 एच टी राइट, या टी टी. और चौथी पॉसिबिलिटी है, लास्ट पॉसिबिलिटी है कि तीनों टेल आए. तो टिपिकली जब
जितने नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस करते हैं, जब दो टॉइन टॉस करते हैं तो चार पॉसिबिलिटी होती है, जब एक टॉइन टॉस करते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है, तीन करते हैं तो आठ होती है, चार कॉइन होते हैं तो 16 पॉसिबिलिटी होती है, राइट। सो इसमें आठ पॉसिबिलिटी है, राइट। सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स इन द थ्री, ओके। सो रिमेंबर दिस, दिस इज द की टू एवरीथिंग। सारे सवाल इसके बाद आसानी से हो जाएंगे। पहला सवाल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बीनू विल गेट टू चॉकलेट्स। दो चॉकलेट्स का मतलब क्या बेटा, दो हेड्स आने चाहिए। अब दो हेड्स कितने बार आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच। सो ओनली थ्री आउटकम्स एच एच टी, टी एच एच एंड एच टी एच में दो हेड्स आ रहे हैं, तो उन्हीं में दो चॉकलेट मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी इज 3/8, विच इज ऑप्शन टू। सो इसका आंसर है ऑप्शन टू। फिर आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बीनू विल गेट एटलीस्ट टू चॉकलेट्स। अगर आप इस सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, आप गलती कर बैठोगे, आपको लगेगा कि इसका आंसर और पिछला आंसर सेम है। यहाँ पे एटलीस्ट लिखा गया, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, या तो दो या दो से ज्यादा। इसका मतलब दो भी मिल सकता है या तीन भी मिल सकता है, क्योंकि तीन से ज्यादा तो चॉकलेट मिल नहीं सकते, क्योंकि हेड्स है ही तीन, तीन ही कॉइन टॉस कर रहे हैं। तो आप, हम जानते हैं दो का तो हमने निकाल लिया, राइट। तीन का क्या पॉसिबिलिटी है, तीनों हेड्स मिलने की एक ही पॉसिबिलिटी है। सो इन दोनों को जोड़ दोगे तो व्हाट दैट इज द प्रोबेबिलिटी कि या तो दो मिलेगा या तीन मिलेगा। सो द आंसर टू दिस मस्ट बी 3/8 + 1/8 व्हिच इज 4/8। रिमेंबर दैट एटलीस्ट टू मींस टू और मोर देन टू। टू भी गिना जाता है, टू से ज्यादा भी गिना जाता है। फोर नहीं हो सकता क्योंकि तीन टॉस कर रहे हैं तो तीन ही हेड ज्यादा से ज्यादा गिर सकते, दैट इज लॉजिकल। सो इस केस में द आंसर इज द फोर्थ ऑप्शन व्हिच इज 1/2। ठीक है, आपको एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा। रिमेंबर दैट केस स्टडी में एक्सप्लेनेशन इज नॉट नीडेड, आपको बस आंसर टिक करना है, ओनली दिस हैज टू बी रिटन। ओके, पिछले सवाल में भी यू डोंट नीड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, यू जस्ट हैव टू राइट सेकंड 3/8 पूरा लिखना पड़ेगा, ऑप्शन का नंबर भी लिखना पड़ेगा और ऑप्शन में है क्या वो भी लिखना पड़ेगा। अगले सवाल पे चले जाते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल गेट एटमोस्ट 3 चॉकलेट्स। एटमोस्ट का क्या मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा तीन, मतलब या तो 0 या 1 या 2 या 3। ठीक है, अब ये तो बहुत बड़ा ही सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप तीन हेड करोगे, कुछ भी कर लो तीन से ज्यादा तो मिलने नहीं वाले, कुछ भी हो ज्यादा से ज्यादा तीन ही मिलने वाले, मतलब श्योर है कि कुछ भी गिर जाए देर आर गोइंग टू बी एटमोस्ट 3 चॉकलेट्स ओनली। तो ये श्योर इवेंट है और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1, राइट। सो इसका आंसर है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा टिक कर सकते हैं। What is the probability that she will get at least 3 chocolate? At least 3 chocolate का मतलब 3 या 3 से ज्यादा। अब 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो essentially ये सवाल हमको पूछ रहा है कि 3 मिलने की probability क्या है। अब 3 तो एक ही इसमें आ रहा है, तीनों heads, right? So इसका answer है 1/8, which is none of these. Okay? So the answer for this is, sorry, not 1/8, none of these. I hope this is clear. आगे बढ़ जाते हैं। What is the probability that Binu gets no chocolate? No chocolate का मतलब एक भी हेड नहीं गिरा, तो ये कौन सी प्रॉबिलिटी हो जाएगी, टी 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 हो जाएगी। इसकी भी एक ही, इसका भी एक ही चांस है, this, the chance of this is also 1/8, right? Unfortunately, I don't think there is any option given. None of these options are correct. तो ये समझ लो आपका बोनस सवाल है। This is bonus. ये अगर आपने attempt किया तो अपने आप को पूरे नंबर दे देना। I think all the options are here are wrong. Okay, so 1/8 is the answer that she gets no chocolate. So this was the first case study. अगले case study पे चले जाते हैं। So मैं दोबारा review कर लेता हूँ। पहले सवाल का answer था क्या था? पहले सवाल का answer था second option, दूसरे का था fourth option, तीसरे का third option, चौथे का fourth option, last में I don't think any of the options were correct. So the correct answer is none of these options. ठीक है? चलो सेकंड केस स्टडी पे चले जाए। ये सेकंड केस स्टडी तो आपके टेक्स्ट बुक बेस्ड, आपके टेक्स्ट बुक में है ही, दिस इज अ टेक्स्ट बुक बेस्ड एग्जांपल। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो केस स्टडी वाला सवाल है, यू कैन एक्सपेक्ट दैट टू कम अलॉट, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बड़े अच्छे सवाल, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बड़े अच्छे वाले सवाल बन सकते हैं ऑन केस स्टडी। सो यू कैन कंप्लीटली एक्सपेक्ट दैट टू बी पार्ट ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, चलो देखते हैं। स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज में एक रेक्टेंगुलर स्कूल ग्राउंड है, लाइंस बनाए गए हैं। आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे तो होता ही होगा।
ये जो लाइंस हैं एक एक मीटर की दूरी में बनाए गए हैं लाइंस, राइट? सो ऑल ऑफ दिस इज 1 1 मीटर, 1 1 1 एंड सो ऑन, ठीक है? ऐसे 10 लाइन बनाए गए हैं, 10 से भी ज्यादा हो सकते हैं. 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 1 मीटर. तो ऐसे 100 फ्लावर, दिस इज द 100th फ्लावर पॉट, ठीक है? शालिनी रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी, ठीक है? अब एडी 100 है तो शालिनी कितना दौड़ती है? शालिनी रन्स 1/4 द डिस्टेंस, मतलब शालिनी रन्स 25 मीटर. तो शालिनी कितना दौड़ती है? 1/4 ऑफ 100, which is 25 मीटर along the second line. तो मतलब शालिनी इज हियर, ये जो रेड लाइन मैं जो बना रहा हूं, शालिनी यहां पर है और शालिनी जहां पहुंची है इस डिस्टेंस ये है 25 मीटर, ठीक है? देन बीनू रन्स, और वहां पे वो झंडा गाड़ देती है. Then Binu runs 1/5 distance AD on the 8th line. So Binu is line pe daudti hai, jo blue line maine banaya hai. Right? 1/5 distance is 20 meter. Ye sab working dikhane ki zarurat nahi, aapko rough mein karna hai on the 8th line. To yahan se hum Shalini aur Binu ka coordinate nikal sakte hain. Shalini ka coordinate kya hai beta? 25, x hai 2, y hai 25 aur Binu ka coordinate hai 8, 20. तो ये पूरी जो कहानी दी गई है, दिस इज फॉर यू टू फाइंड आउट शालिनी एंड बीनू कोऑर्डिनेट्स. शालिनी इज 2.25, बीनू इज 8.20. समझ में आ गया बच्चों? तो हमेशा केस स्टडी को ध्यान से पढ़ो और जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स है उसको अप्लाई करके ये इन्फॉर्मेशन पहले निकाल के रख लेना, उसके बाद आप चारों सवाल को आंसर कर सकते हो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एट वॉट डिस्टेंस शालिनी पोस्टेड द ग्रीन फ्लैग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड लाइन. ये तो हमने निकाल लिया है, ये तो 25 मीटर है शालिनी का, 25 मीटर डिस्टेंस पे प्लांट किया है. So this is very simple. We have already 1/4 of AD distance tha into AD, which is 1/4 of 100, which is 25 meter. Aapko bas likhna hai 225 meter. Okay. Phir Binu ne kitne dur rakha hai? Ye bhi humne nikal liya hai. 120 meter. Bahut hi simple case study. Agar aapne padh liya sawal ko aasani se, jaldi jaldi ho jayega ye. Third, what is the distance between both flags? 2.25 and 8.20. Distance formula se nikal sakte ho. रूट ऑफ 8 - 2 स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर. ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर. रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर व्हिच इज रूट ऑफ 36 प्लस 25 व्हिच इज रूट ऑफ 61. सो द करेक्ट आंसर इज रूट ऑफ 61 मीटर. सो इसमें आपको आंसर क्या लिखना था? द आंसर लिखना था रूट 61 मीटर, पहला ऑप्शन. ऑप्शन का नंबर भी लिखना है और ऑप्शन भी लिखना है. चौथा सवाल, रश्मि को अगर ब्लू फ्लैग हाफ वे रखना है एग्जैक्टली तो कहां पे रखना है? बहुत ही सिंपल है, मिड पॉइंट थ्योरम. 2.25 और 8.20 का मिड पॉइंट क्या होगा? 2 + 8/100 + 8/2 + 25 + 20/2, ये होगा मिड पॉइंट. रश्मि को वहां पे रखना है. सो दिस इज 10/25, दिस इज 22.5. सो द करेक्ट आंसर इज अगेन द फर्स्ट ऑप्शन, 5, 22.5, ठीक है? अब लास्ट, बीनू अगर 13 मीटर और दौड़ती है और वहां पे नया फ्लैग डालती है तो डिस्टेंस क्या होगा? तो बीनू अगर 13 मीटर और दौड़ेगी, अभी तो 25 मीटर था उसका डिस्टेंस, इफ शी रन 13 मीटर मोर तो उसका नया कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2.38, ये हो जाएगा उसका नया कोऑर्डिनेट. एंड देन शी वॉज बेसिकली एट 8.20, तो न्यू डिस्टेंस क्या है? रूट ऑफ 2 - 8 स्क्वायर प्लस 38 - 20 स्क्वायर, व्हाट इट वुड बी, ठीक है? इसका मतलब क्या है बेटा? दिस इज रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर व्हिच इज 36 + 324. 18 × 10 = 80, 18 × 8 = 144, 324, रूट ऑफ 360. रूट ऑफ 360 इज नथिंग बट 6√10 मीटर. So the correct answer for this is none of these. Okay, so एक भी option match नहीं करता, तो 6√10 would be the answer. Okay, anyway, I hope this is clear. आगे बढ़ते हैं. Let me check if. Oh no, I think I made a small mistake. Binu runs 13 meter more. तो मैंने एक छोटी सी गलती कर दी यहाँ पे. Should not be this. Sorry students, there's a small correction. That's why you have to read the question properly. Sorry. तो यहाँ पे बीनू गई है 13 और मीटर, तो she will move to 8.33. ये अभी भी वही है, मैंने नाम में इंटरचेंज कर दिया है.
So she would still be at 2.25. अब नया डिस्टेंस क्या होगा? रूट ऑफ 2 - 8 square, क्योंकि 20 के अभी 20 प्लस 13 हो जाएगा 20 का, प्लस रूट ऑफ 33 - 25 square. दिस इज रूट ऑफ 6 square प्लस 8 square, विच इज रूट ऑफ, विच इज 10 meter, विच द आंसर इज स्टिल द सेम, 10 meter ही है, बट मैंने कैलकुलेट गलत किया. सो आंसर इज स्टिल नन ऑफ दीज, दैट डज नॉट चेंज, बट द आंसर इज 4, none of these. Okay, write the option also and write the option ka number also. So I hope this is clear. So this was the second case study, not a difficult case study, right, picked up from your textbook. I hope this is clear. So iske charon ke options the, pehle ka second tha, dusre ka first option tha, teesre ka bhi first option tha, chauthe ka bhi first option tha, aur panchve ka chautha option tha. Okay, all the options were there. Inme se kisi char ko karna tha aapko. 19th question, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है. लेट्स एक्चुअली हैव अ लुक एट ऑल दीज क्वेश्चंस हियर. यू आर गिवन सम फिगर्स, ठीक है, और इसके बेसिस पे सवाल को आंसर करना था. बहुत सिंपल. पहला सवाल, इनमें से कौन सा कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट हम देख सकते हैं बेटा कि यहां पे साइड, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये दोनों एंगल बराबर है. और देखो ये दोनों साइड भी बराबर है, बोथ ऑफ देम आर गिवन डबल साइड्स. इसका मतलब ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये भी 50 डिग्री होगा. तो एक्चुअली बोथ ऑफ दीज हैव ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स सेम, सो ए इज डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट, राइट. द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज यहां पे जब हम किसी ट्राइंगल में ऐसे लिखते हैं, मतलब ये दोनों आपस में भी बराबर है, राइट. जबकि थर्ड फिगर में आप देखोगे यहां पे 2 लाइन है, यहां पे 3 लाइन है. सो दिस इज इक्वल टू दिस, लेकिन ये दोनों इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है. सामने वाले साइड्स इक्वल है, आपस में इक्वल नहीं है. सो यू कांट से एनीथिंग अबाउट द थर्ड एंगल, और ये जो एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है. सो सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, डी इज डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट. तीनों साइड्स इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. तो ए एंड डी आर कॉन्ग्रुएंट, बी एंड ई आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, साइज सेम नहीं है उनका. तो इसका सही आंसर है the second option, A and D. They are the congruent figures. Okay. The key thing is to realize that though agar triangles isosceles honge, aur unka ek bhi angle equal ho gaya, they will both be congruent. Next, choose the correct statement. All similar figures are congruent. Obviously, correct statement hai. Congruent figures are similar. Ye sahi statement hai, aapke textbook mein diya gaya hai. Similarity ke criterion congruency jaise same hote hai, sare same nahi hote hai. क्योंकि RHS नाम का एक क्राइटेरियन होता है जो सिमिलैरिटी में नहीं होता है, और सिमिलैरिटी में AA होता है. देयर इज नो AA कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, दिस इज फॉल्स, देयर इज नो AA कॉन्ग्रुएंस, राइट. सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप एंड साइज भी गलत है, क्योंकि सिमिलर फिगर्स का शेप सेम होता है, साइज सेम नहीं होता. हो सकता है हमेशा सेम नहीं होता. सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज सेकंड, द सेकंड ऑप्शन. ओके, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर. थर्ड वन, ये इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स इन द सेम रेशियो, तो लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड है. ये क्या है बेटा? दिस इज नथिंग बट दिस इज, इसमें कंफ्यूजन होगा कि ये थेल्स थ्योरम है कि कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. पाइथागोरस और रामानुजन थ्योरम तो नहीं है, आप जानते हैं. तो लाइन अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है, लाइन पैरेलल है तीसरे साइड के, दिस इज द कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर मैंने लाइन पैरेलल बनाया तो रेशियो सेम होता है. ये क्या कह रहा है? अगर रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल होगा. So this is third option, which is the converse of Thales theorem or converse of BPT. Okay, now let's move to the fourth question. Similarity ko use karke tree ki height batao, dono triangles similar hai. So 5/7 must be equal to x/14. So x kitna ho jayega beta? 10 feet. Okay, so this is option A, 10. बस आपको बस इतना ही लिखना है, बाकी सब तो बस रफ वर्क में कर सकते हो. आपको आंसर लिखना होता है सिर्फ केस स्टडी सवालों. सिमिलर ट्रायंगल एबीसी और डी एफ कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे उनकी एरिया जब सेम हो जाती है. अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डी एफ अगर 1 होगा, इसका मतलब क्या है? ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर. ये तीनों वन हो जाएंगे तो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे. सो व्हेन द एरियाज आर इक्वल देन सिमिलर ट्रायंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट, व्हिच बेसिकली मीन द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू
area of DE. So this particular case study, there were no big calculations you had to do. All that you have to do was make sure that you understood the basic concepts of this lesson. Okay. So again, recap kar leta hu main. Pehla sawal, second option, third option, first option, and then first option. चलो लेट्स मूव टू द लास्ट केस स्टडी. केस स्टडी में आपको लग रहा होगा टाइम ज्यादा जाता है, राइट? एंड इट्स ट्रू, व्हिच इज व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट दैट वन मार्क क्वेश्चन ऑफ केस स्टडीज टुवर्ड्स द एंड करो. ठीक है, चलो द लास्ट केस स्टडी इज अ स्टैटिस्टिक्स बेस्ड केस स्टडी. अगेन स्टैटिस्टिक्स बेस्ड केस स्टडीज आर एक्सट्रीमली स्कोरिंग, राइट? स्टैटिस्टिक्स में काफी अच्छे से सवाल बनाए जा सकते हैं, तो प्लीज मेक श्योर दैट स्टैटिस्टिक्स के सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करो. तो आपको यहाँ पे बोलिंग स्पीड की का एक टेबल दिया गया है, 85 to 100, 100 to 115, 115 to 130, 130 to 145, and so on. ठीक है, और उसके बेसिस पे आपको सवालों को आंसर करना है. पहला, what is the modal class? Statistics में modal class क्या होता है? वो class जिसमें जिसकी frequency सबसे ज्यादा है. Frequency सबसे ज्यादा obviously इसकी है. So the modal class obviously is 85 to 100. Highest frequency जिसकी है वही मोड होता है, तो मोडल क्लास भी वही वाला होगा. ठीक है, अगले सवाल पे चले जाते हैं. What is the value of class interval? आपने देखा था class interval क्या है बेटा, 85 to 100, 100 to 115, सारे 15-15 साइज के क्लास इंटरवल है. सो दिस इज नथिंग बट सेकेंड 50, नॉट अ लॉट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस. What is the median class of the given data? Median class निकालने के लिए you basically have to find out the value of n by 2, right? टोटल कितने हैं देखो बेटा, या तो आप मीडियन निकाल सकते हो, राइट? लेट्स बेसिकली नाउ सी व्हाट आर द टोटल, 11 + 9 = 20, देयर आर 43. ठीक है, देयर आर अ टोटल ऑफ 43, लेट मी सी, 20 नहीं, नॉट 43, 33, राइट? 11 + 9 = 20, 20 + 30 = 33 पीपल. तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हम सबसे पहले n by 2 निकालते हैं. n by 2 is 33 by 2, which is 15.6, I think, right? No, sorry, 16.5. फिर हम ये देखते हैं कि किस ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है बट क्लोजेस्ट टू दिस है, राइट? तो हम क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पे वेरी क्लियरली इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 है, 20 है, 28 है, 33 है. So now very clearly what we can see is cumulative frequency obviously 16.5 se zyada is 20, but the closest is only 20, right? 11 and 20 both are on other sides, but uske closest 20 hai, jo usse zyada bhi hai aur uske close bhi hai. So 28 or 33 are further away. So that basically means 100 to 115 then becomes the median class for this. Okay? So the median class is 100 to 115. Class is that class with CF closest to n by 2 and greater than n by 2. ठीक है, तो पहले total n निकालो and then you can find out what is the median bowling speed. अब बाकी सब तो निकल सकता है. median का formula क्या होता है बेटा, median का formula होता है L plus n by 2 minus CF upon F into h. L है median class का lower limit, जो हमने अभी भी पता किया 100 है पिछले part में. N by 2 हमने अभी भी निकाला 33 by 2 है. Cumulative frequency is cumulative frequency of the class before that, right? तो उसके पहले वाले class की cumulative frequency है 11, right? So this is CF and this is F. Median class की frequency F होती है और median class के पहले वाले class की जो cumulative frequency है वो CF होती है, right? So CF is 11 and F is 9 और H तो 15 है. So this is 100 plus 11 by 18 into 15. ठीक है, ये आप कर लेना. This is turns out to be nothing but 100 5 3s are 15 55 by 6 100 plus 55 by 6 is 8 6 are 48 sorry 9 6 are 54 10 and this turns out to be 17. This is 109.17 kilometer per hour. Okay, calculations आपको करना तेजी से आना चाहिए, but that turns out to be the answer in this case. Okay, 109.17.
आगे बढ़ जाते हैं. व्हाट इज द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. मॉडल क्लास का लोअर लिमिट था 85 और अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या था 100 टू 115. सो दैट इज नथिंग बट 200. सिंपल सवाल. द आंसर टू दिस इज 200. दैट बेसिकली फिनिशेस ऑल आवर केस स्टडी क्वेश्चंस. तो जैसे कि आपने देखा होगा केस स्टडी क्वेश्चंस थोड़े एग्जॉस्टिंग होते हैं, बट उसमें अगर आपको पैसेज समझ गया चारों सवाल आसानी से हो जाएंगे और आपको पांच में से सिर्फ चार सवाल करने होते हैं. तो देखिए वी आर नाउ एट द आई थिंक एट द 1 आवर मार्क, राइट. और हमने 1 मार्क क्वेश्चंस और केस स्टडी कर लिया. आपको लगेगा ये छोटा है बट थिंक ऑफ इट, राइट. 1 मार्क क्वेश्चंस और केस स्टडी पूरा अटेम्प्ट करने का मतलब है आपने 32 मार्क्स का अटेम्प्ट ऑलरेडी कर लिया है, राइट. तो 80 में से 32 मार्क्स अटेम्प्ट कर लिया. यू हैव अटेम्प्टेड मोर देन 30% ऑफ द पेपर और सिर्फ एक ही घंटा हुआ है. तो 2 घंटे में बाकी दोनों आराम से हो जाएंगे. सो दैट इज द की थिंग टू कीप इन माइंड, राइट, कि जितने मार्क्स मिल रहे हैं, राइट, उसका जो रेशियो है और आपको आपने जितना टाइम का रेशियो निकाला है, कितना परसेंटेज टाइम निकाला है, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन. जो इस वीडियो, ये वीडियो ताकि लंबा ना हो जाए, इसका जो सेकंड पार्ट है मैं एक सेकंड वीडियो में डालने वाला हूँ थोड़ी देर में. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दैट ऑल्सो. ऑलराइट, थैंक यू, एंड प्लीज डोंट मिस द सेकंड पार्ट विच कंटेन्स ऑल द 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चंस.